नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएमआर भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। धारदार हथियार से युवती पर हमला कर आरोपी फरार। जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण थाना क्षेत्र के धरदेई गांव का है। अज्ञात कारणों से अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक युवती पर धारदार चाकू से गले पर प्राणघात हमला किया, जिसमें पीड़िता युवती के गले और कमर पर गंभीर रूप से चोटें आई हैं। पीड़िता युवती का नाम संगीता साहू, उम्र 22 वर्ष, ग्राम पंचायत धरदेई का मूल निवासी बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता युवती संगीता साहू बीती रात्रि कॉलिंग 8:30 बजे शौचालय के लिए घर से बाहर निकली, जहां रात के अंधेरों में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा धारदार हथियार से पीड़िता के ऊपर हमला किया गया। हमले के दौरान संगीता साहू को गले व हाथ पर गंभीर रूप से चोटें आई हैं, जिसको इलाज के लिए बिलासपुर रिफर किया गया है। तो वहीं पूरे मामले की सूचना पीड़िता के परिजन द्वारा शिवरी नारायण थाने में दिया गया, जहाँ मामले की जाँच में शिवरी नारायण पुलिस मौके पर पहुंचकर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धारा 506-323 का अपराध पंजीबद्ध कर जांच में जुटी हुई है। मौके पर एक फोन मिला है, जिसे ट्रेस किया जा रहा है। मोतीलाल शर्मा की रिपोर्ट। कल रात करीब 8:30 बजे की बात है, लड़की अपने घर से बाहर खेत तरफ गई हुई थी। एक अज्ञात व्यक्ति लड़का कोई आया और उसे सब्जी काटने वाले चाकू से वार किया, जो गले में लगी है, चोट हल्की है, उसे खून निकला है। पर वो मौके पर अज्ञात व्यक्ति का मोबाइल छूट गया है, जिसके आधार पर वो ट्रेस हो रहा है और अभी अपराध कायम कर लिया गया है 506-323 IPC का। डॉक्टरी रिपोर्ट के बाद धारा और बढ़ाई घटाई जा सकती है। यदि गंभीर चोट है तो गंभीर धाराएं भी लग सकती है। उसकी हालत ठीक है, उसकी हालत अभी ठीक है, स्वस्थ है वो और अपने से ही चल के गई है जी। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें वीएमआर भारत टीवी।